तो यह अखिलेश यादव बताएंगे या ये स्वामी प्रसाद मौर्य बताएंगे, कौन बताएगा कि रामचरित मानस के उसमें वह भी चौपाई बोली जाती होगी ना, तो अगर उसका रिएक्शन है तो 5-7 वीडियो आप ही दिखा दीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव, कोई सपा का सारे चैलेंज कर रहा हूँ, कोई दिखाए कि जिस गांव में रामचरित मानस होता हो वहाँ कोई झगड़ा होता हो, मार पिटाई होता हो, कभी कछी विद्वेष हुआ हो, जरा मुझको एक आध वीडियो दिखा देंगे हमको भी। तो दबाया किसने भाई, 70 साल से तो संविधान चल रहा है, चुने हुए प्रतिनिधि, जनता वोट दे के प्रतिनिधि बना रही है, वह आपके बाप दादा ही थे। जब देश में सम्मानित ग्रंथ के खिलाफ इस तरीके से किया जाता है और उसके पहले एक और धर्म के ग्रंथ को लेकर के किसी ने सिर्फ बोलने भर की हिमाकत की थी, केवल तथ्य बोला था, उसके खिलाफ क्या क्या हो गया था वो हमने सबने देखा था। क्या देखते हैं आप इस घटना को, किस तरीके से एजेंडा है, एजेंडा कैसा है एजेंडा? वो कहते हैं 4 चुनाव लगातार हार गए, उनकी सत्ता कब थी, जब समाज में उत्तर प्रदेश समाज बटा हुआ था, जब आपस में लोग लड़ रहे थे, बात समझ रहे हैं ना, वो लड़ाके अगड़ा पिछड़ा समझ रहे हैं, और उसमें वो लोग मलाई खाए, उनके पूरा परिवार कौन, तो जब मलाई, अब मलाई नहीं मिल रही, कहाँ मलाई मिल रही, तड़प रहे हैं ना, उसी वही तो तड़प है असली, तो नहीं तो क्या दुश्मनी है, एक बात बताइए। अच्छा एक बात बताइए, वो कहते हैं उस ग्रंथ को ही बैन कर दो, क्या उस ग्रंथ राजनीति से ऊपर हो जाता है ना। अच्छा अच्छा एक बात बताइए, आप इनको बुलाते हैं, किसी गांव में रामचरितमानस पाठ होता है तो वहां लड़ाई झगड़ा होता है? नहीं, झगड़ा नहीं होता है, सब लोग मिलकर के करते हैं। करते हैं, वहां प्रसाद बांटा जाता है कि नहीं? हाँ, प्रसाद बांटा। वहां लोग भोजन करते हैं कि नहीं? हाँ, जी, भोजन भी करते हैं। हाँ, और सारे लोग एक साथ खूब बढ़िया खुश रहते हैं कि नहीं? हाँ, खुश रहते हैं जी, गाते बजाते, यही होता है ना। जहाँ भी रामचरितमानस किसी कोने में, देश के कोने कोने में, चंदा सब 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 लोग मिल के यही करते आए हैं। तो यह अखिलेश यादव बताएंगे या ये स्वामी प्रसाद मौर्य बताएंगे, कौन बताएगा कि रामचरितमानस के उसमें वह भी चौपाई बोली जाती होगी ना, तो अगर उसका रिएक्शन है तो 5-7 वीडियो आप ही दिखा दीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव, कोई सपा का सारे चैलेंज कर रहा हूँ, कोई दिखाए कि जिस गांव में रामचरितमानस होता हो वहाँ कोई झगड़ा होता हो, मार पिटाई होता हो, कभी कछी विद्वेष हुआ हो, जरा मुझको एक आध वीडियो दिखा देंगे हमको भी, तो यह देश जानना चाहता है। इनके माँ ने दूध नहीं पिलाया है कि एक वीडियो दिखा दें, इसलिए कि वहाँ इतना प्रेम से होता है, इतना लोग गदगद हो जाते हैं, इतना खुश, जब जानते हैं कब होता है, जब बड़ी प्रसन्न होता है, कोई उपलब्धि देता है, पुत्र दे देता है, कोई बड़ा काम दे देता है, बड़ा धन दे देता है, तब आदमी खुश होकर कि चलो हम रामचरित मानस कराएंगे। जैसे हमारे वहाँ हर साल होता है कृष्ण जन्माष्टमी, यदुवंशी कृष्ण के जन्म के दिन हमारे वहाँ हर साल होता है, पूरा गांव आता है, हर समाज के व्यक्ति आते हैं, सबको खिलाया जाता है, इसी तरह से देश के कोने कोने में, और हमारे गांव के मन हर साल विभिन्न, कोई राम के जन्म पे, कोई किस दुर्गा जन्म अष्टमी के जन्म, हर हर त्योहार पर रामचरित, हाँ हाँ हाँ, हर खुशी में रामचरित मानस। कैसे कह रहे हैं कि ओबीसी और दलित विरोधी है, ये कह रहे हैं, और कह रहे हैं बैन करे सरकार, केवल संविधान चलेगा, रामचरित मानस ना पढ़ा जाए। अच्छा, तो दरअसल अब अखिलेश यादव अपने बाप को कुर्सी से हटा के ढकेल के गद्दी पाए थे, देखे थे ना, निकालू वीडियो, बकायदा धक्का मारे थे ना, ये देखे थे ना, हट फफेलिया के धकेल दिए थे, कोर्ट तक गया था मामला। हाँ, कोर्ट तक मामला गया था। आप जानते हैं अपने चाचा को भी, अभी अभी चाचा आए हैं ना, क्या क्या दोबारा आए हैं, घर वापसी हुई है। अब चूंकि अब दिक्कत यहाँ है कि प्रभु राम का चरित्र यह था कि बाप नहीं कहे थे कि बन जाओ, लेकिन 14 साल बन चले गए। अब वैसे बेटा तो है नहीं, वैसी सीख रामचरित मानस देता है भाई साहब। अगर एक बार अखिलेश यादव पढ़ लिए होते, वैसा ही कुपुत्र है इनका बेटा स्वामी प्रसाद मौर्य को, पढ़ा नहीं है, बात समझ रहे हैं ना, वह भी इनको बार बार वैसे उसी भाषा में करता है। तो यह लोग अब रामचरित मानस पढ़ेंगे तब ना उसको चरित, अब चूंकि भारत के जो उत्तर प्रदेश, बिहार और देश के कोने कोने में जो बच्चे रामचरित मानस पढ़ते हैं, वह तो यही पढ़ते हैं कि राम की, दशरथ की, अपने पिता की प्रतिष्ठा के लिए अगर मुझको वन भी स्वीकार हो तो मैं वन चला जाऊंगा। एक छोटा भाई है, वह अपने भाई को गद्दी पर बिठाने के लिए उसके पीछे पीछे चला जाता है, भाई नहीं मानता है तो उसकी खड़ाऊं ला के नीचे चटाई बैठ के और 14 साल
तपस्या करता है कि कब आएंगे कि इस गद्दी को संभालेंगे, इस तरह का छोटा भाई होना चाहिए, ये सिखाता है रामचरितमानस। ठीक, एक पत्नी जो जो अपने वो राजघराने की थी, परवरिश भी राजघराने में हुआ और शादी भी राजघराने में हुआ, लेकिन आप अपनी पति पति की प्रतिष्ठा के लिए चली गई 14 साल बन, ऐसी भारत की नारी हो, यही तो सिखाता है रामचरितमानस, इसमें कहाँ विघटन है। हाँ, अगर मान लीजिए कि उनके हिसाब से अब आप पिछड़े हैं तो कौन पिछड़ा कर दिया आपको? मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी पीछे कर दिया। कैसे? मोदी जी कितने साल से? 8 साल से। इन्हीं के राज में सब गड़बड़ हुआ जी। अच्छा, उसके पहले मुलायम सिंह जब राजा थे तब मैंने मुख्यमंत्री, ये अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब, जो पुलिस वाले जीत इनका फीता बैठ के बांधते थे तब पिछड़े नहीं थे? इनके चाचा करोड़पति हैं, इनके पूरा परिवार खानदान प्रमुख जिला पंचायत से लेके मुख्यमंत्री से लेके सारा पद है, तब पिछड़े नहीं थे? वहाँ छोटे छोटे बच्चों का डांस कराते थे तब पिछड़े नहीं थे? मुलायम सिंह की जन्मतिथि में मुंबई से वो बार डांसर बुला के और लाखों करोड़ रुपया बचा सैफई महोत्सव होता था तब पिछड़े नहीं थे? उस पैसे को उन पिछड़ों के गरीब बच्चों को शिक्षा में लगा देते, उनकी बच्ची की शादी करा देते, उनका ट्यूशन करा देते, यह उस समय पिछड़ा याद नहीं आया? उस समय याद नहीं आया? पान खाने के लिए सैफई महोत्सव में पान खाने के लिए जो अतिथि थे, पान खाने के लिए हेलीकॉप्टर और प्लेन की व्यवस्था की गई, वहाँ व्यवस्था वो पैसा उत्तर प्रदेश के पिछड़े और दलितों का नहीं था? जिस समय मायावती का चीरहरण हुआ था उस समय वो दलित और पिछड़ा नहीं थी? ये सब भूल जाते हैं। हाँ, ये सब भूल जाते हैं ये लोग। क्यों? उसको हटाओ, 2014 के बाद क्या हुआ उसमें बात करो। अच्छा, 2014 के बाद सत्ता चली गई। हाँ। चूंकि राम मंदिर बन रहा है। हाँ। बात समझ रहे हैं ना? और देखते देखते थाने पर गुंडाई कौन करता था, गाँव में लाठी लेके कौन निकलता था, सारे वर्ग को कौन पीटता था, सपा के कार्यकर्ता तो कौन थे, कौन गुंडाई करता है, कौन पिछड़ा है, कौन दबाया? वो 10 रुपया का पंचांग पढ़ने वाला वो पंडित जी, वो दबा देंगे? कहते हैं भाई उन्हीं पंडितों ने दबा के रखा है। अच्छा, मुख्यमंत्री रहे इनके बाप, पिछड़ा चार बार, एक बार या खुद रहे, और उसके पहले मायावती जी थी, ठीक, और उसके पहले कल्याण सिंह थे, सब पिछड़े ही लगातार। मालिक रहेंगे आप, दबा देगा वो गाय के पूंछ पकड़ के और 10 रुपया पाने वाला, बात समझ रहे हैं क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, इसके बाद भी ये कहते हैं कि बहुत दबाया गया, सैकड़ों साल से दबाया गया, तो 250 साल तो अंग्रेज थे, उसके पहले मुसलमान थे, तब कौन दबा रहा? उस पर बोलेंगे कभी? जरा कहलवा दीजिए ना। उस पर नहीं बोलते, कहते हैं मोदी जी की पार्टी, इनके लोग, सब लोग मिल करके केवल पिछड़ों और दलितों के विरोधी हैं, इसी के लिए राम के किरदार को, रामचरितमानस को प्रमोट किया जा रहा। अच्छा, आप मोदी जी क्या है, वो पिछड़े हैं कि नहीं? है ना, तो वो तो उनको क्यों नहीं कहा जा रहा है? सिर्फ तुलसी बाबा और रामचरितमानस क्यों? बात समझ रहे हैं ना? तो दबाया किसने भाई? 70 साल से तो संविधान चल रहा है, चुने हुए प्रतिनिधि, जनता वोट दे के प्रतिनिधि बना रही है, वो आपके बाप दादा ही थे, और किसी ने सत्ता नहीं पाया बिहार में, लालू। अच्छा, एक बात बताइए, अब बिहार को ही ले लीजिए, अभी निकालू, एक दलित आईएएस था, ठीक ना, बीबी मंडल, उसकी पत्नी का 250 साल लगातार, 200 साल लगातार बलात्कार किया गया, आईएएस की पत्नी का, दलित तो था लालू यादव ने, बीबी जानते ना, इन्हीं की पार्टी जानते, याद है ना, जो राज्यपाल के पास मामला गया तब जाके वो कोर्ट में गया, तब वो 2 साल के बाद FIR किसी तरह से हुआ, किसके राज में हुआ, वो दलित नहीं था? आप करें तो रसलीला, और दूसरा कोई करे तो कैरेक्टर ढूंढ, आपका राज भूल जाता है। अब आज कुर्सी जब डवाडोल होने लगी, नहीं मिली तो अब यह कहा। अच्छा, कुर्सी की बात हो रही है तो 2024 में सामने चुनाव भी है, उसको लेकर के क्या सोचते हैं भाई कि 2024 में कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ने काम कुछ किया नहीं, एक दिल्ली का कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, राहुल गांधी भारत जोड़ रहे हैं और अब सफल कह रहे हैं, सफल भी हो गए हैं, 2024 में कुर्सी भी हमसे आके अपने आप जुड़ जाएगी। कैसे? अभी तो एक बड़ा TV इंडिया टुडे ने सर्वे किया, उसमें केजरीवाल से, तो गोदी मीडिया। अच्छा, वो गोदी मीडिया है तो अच्छा एक बात बताओ, चलिए वो अभी मान लेते हैं गोदी मीडिया, तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से थे, मैंने चुने गए थे ना, उसके बाद से इंदिरा गांधी चुनी गई, उसके बाद से राजीव गांधी भी वहीं से थे,
तो इतने इनके पूरे खानदान ने वहाँ से चुनाव लड़ा और राहुल गांधी को एक सीट इस लायक काम नहीं किया कि वहाँ से राहुल गांधी जीत जाए। है तो कांग्रेस वाले चैलेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं अमेठी आ रहे हैं, हरा देंगे। अच्छा, तो वहाँ से क्यों भागे, क्यों किस कौन हराया, क्यों हारे? हारे ना, जैसे मान लीजिए कि मोदी जी का एक मॉडल है ना, मॉडल गुजरात मॉडल, केजरीवाल भी कह सकता है हमारा शिक्षा मॉडल, हाँ नीतीश कुमार भी कह सकते हैं हमारा सुशासन मॉडल, राहुल गांधी का कौन सा मॉडल है जरा मुझे बताइए, एक चार काम गिना दीजिए राहुल अपने संसदीय क्षेत्र में, अगर किए होते तो भागना पड़ता, वही मैं कह रहा हूँ। ये कांग्रेसी बताएंगे? हाँ, आँख मारते देखा मैंने संसद में, मोदी जी के गले लगते देखा हमने, ठीक, उल्टे सीधे बयान देते हुए देखा, उन शब्दों को मैं चयन नहीं कहना चाहता, इसलिए कि वो कहा जाएगा कि आप लोग इस जानबूझ के पैसा लगा के और यह प्रोपेगेंडा कर देते हैं। तो यह आँख मारना झूठ है कांग्रेसियों, या मोदी जी के गले मिलना झूठ है? बहुत सारी बातें हैं जो हम नहीं कह सकते इन्हीं के क्षेत्र में, उसका एविडेंस नहीं है, दबा दिया गया एक छोटी बच्ची, हाँ हाँ मामला, वो नहीं मैं वो खोलना चाहता, बहुत सारी बातें हैं और मिल भी नहीं देखने को, हाँ कहीं देख, जिन वेबसाइटों पर लगी थी वहाँ से, हाँ वो दबा दिया गया। ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। भाई साहब बताइए सर, क्या लगता है कौन मेहनत देश में, मेहनत किसने किया है ज़्यादा मेहनत किसने किया? आप बताइए भाई साहब, क्या सोचते हैं सरकार को लेकर के? सरकार को लेके क्या सोचते हैं भाई, देखो राहुल गांधी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी भारत को जोड़ रहे हैं, काफ़ी लोग पीछे चल रहे हैं उनके, इस बार दिखाई दे रहा है रंग आएगा पक्का। अच्छा, हाँ, क्योंकि कितनी सीटें आपको लगती है भाई, कितना मतलब क्या? नहीं, सीटें आएंगी आपके, इस बार आएंगी सरकार बनने भर की, हाँ आपके बनेगी सरकार। मोदी हार जाएंगे? नहीं, हारेंगे तो नहीं, बराबर की टक्कर रहेगी, मोदी तो नहीं हारेंगे, मोदी तो क्या छाए हुए हैं, जिस दिन जाएंगे राहुल प्रधानमंत्री बनेंगे, मोदी हारेंगे? मैंने गजब, मैंने कहा बराबर की टक्कर लेंगे वो, बनेंगे नहीं, बनना तो ये तो टाइम की बात होती है, टाइम की बात होती है, हाँ टाइम। राहुल गांधी चल रहा है कि नहीं? राहुल गांधी का स्टंप बराबर चल रहा है, भारत जोड़ो पूरी जनता उसके पीछे है, स्टंप पूरा देश आगे पीछे चल रहा है। कोई मुख्यमंत्री पूरे देश को है ना खुश नहीं कर सकता है, मुख्यमंत्री कैसे देश कोई भी, कोई वो तो राज, हम लोग जैसा भाई उनको खुश कर सकते हैं, हाँ। और सबका मांगे पूरा भी नहीं है ना, जो हम लोग वो दे दो उनका मांगे भी पूरा नहीं कर सकते हैं, करेंगे भी तो कैसे करेंगे। 100% में 50% जो इतना ही मंत्रिमंडल है पूरे भारत का, वो भ्रष्ट है।